टू पॉइंट ये बात दबाव तो सर ये सर प्रशासन का दबाव होता है 50 तरीके नहीं गलत बात नहीं कर रहा हूँ सर, जनता की एक डेढ़ साल ही जाना नहीं सीधा एक डेढ़ साल के बजे ये गणित मैं करूंगा पर मैं यो नहीं चाहिए आप यह जुलूस और नारेबाजी किसी चुनाव की नहीं बल्कि राजसमंद जिले के सिसोदा गांव में तीसरी संतान होने पर सरपंच पद से हटाए गए सज्जन सिंह के समर्थन में जुटी भीड़ है। यह पूरा मामला क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से जुड़ा है क्योंकि सज्जन सिंह को पद से हटाने के बाद डॉक्टर सीपी जोशी को धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें धमकी देने वाला व्यक्ति सज्जन सिंह होना बता रहा था। हालांकि इस संबंध में सिसोदा के पूर्व सरपंच सज्जन सिंह ने साफ इनकार कर दिया कि वोट नहीं इस तरह की कोई धमकी दी है। नाथ द्वारा विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को धमकी देने का ऑडियो वायरल होने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। वायरल ऑडियो को लेकर खमनौर थाने में परिवाद दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा जाँच शुरू की गई। जाँच के लिए बार बार पुलिस के सिसोदा गाँव आने की बात को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी एकत्रित हो गए जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित के साथ ही कई भाजपा नेता शामिल हुए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी को धमकी देने के साथ ही सिसोदा के पूर्व सरपंच सज्जन सिंह को तीसरी संतान होने पर बर्खास्त करने के प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। लोग बोले कि पुलिस बार बार गाँव में आ रही है जिससे लोगों में डर व दहशत बढ़ रही है। इस पर नाथद्वारा थाना प्रभारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित व खमनौर थाना प्रभारी नवल किशोर ने कहा कि आप बताएं कि किसे अनुचित तरीके से परेशान किया। तब गांव के लोग बोले अभी तक परेशान तो नहीं किया मगर बार बार पुलिस आने से लोग परेशान हैं। इस पर पुलिस ने आश्वस्त किया कि जिसने भी गलत किया है उसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जिसने कुछ नहीं किया है उसने या उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस का सहयोग करें। तब लोग शांत हुए। सिसोदा गांव में दोपहर में बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों के आह्वान पर भीड़ जुटी और सज्जन सिंह को सरपंच पद से हटाने तथा डॉक्टर सीपी जोशी को धमकी के वायरल वीडियो के मामले में हंगामे के बीच काफ़ी देर तक चर्चा हुई। सज्जन सिंह को सरपंच पद से हटने को लेकर ग्रामीणों में असंतोष जताया। सरपंच को हटाने की कार्रवाई को जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उल्लेखनीय है कि तीसरी संतान होने पर जिला परिषद राजसमंद की जांच के बाद संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा उन्हें सिसोदा सरपंच पद से हटा दिया था। उसके तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के हाथ पैर तोड़ने की धमकी का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वह व्यक्ति अपने आप को सज्जन सिंह बता रहा था। हालांकि पूर्व सरपंच ने इनकार कर दिया कि उनके द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई है। भाजपा नेता हरदयाल सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह चौहान बाजुमो, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा द्वेषता से सरपंच पर कार्रवाई की गई है और उसके बाद भाजपा से समर्थित लोगों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर सिसोदा में एकत्र लोग भावावेश में कई प्रकार की बातें कर रहे थे। एक नेता ने कहा कि सज्जन सिंह के खिलाफ जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसको सभी मिलकर सबक सिखाएंगे। एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि सबसे पहले जिसने साथ रहकर रिकॉर्डिंग वायरल की उसे पकड़ो। इतना कहते ही लोग उठ खड़े हुए और बीच में ही जोरों से हो हल्ला शुरू हो गया। एकत्रित लोगों ने सिसोदा सरपंच पद से हटाए सज्जन सिंह के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। लोगों ने सज्जन सिंह को अपना नेता बताया। भाजपा नेता केसर सिंह चुंडावत ने कहा कि भाजपा क्षेत्रवासियों के साथ हैं। हरदयाल सिंह ने कहा कि आज सज्जन सिंह के साथ पूरा गांव खड़ा है। एक डेढ़ साल ही जाना नहीं सीधा एक डेढ़ साल के बजे यह गणित मैं करूंगा पर मैं यो नहीं चाहिए आप तरफ व्यवस्थित भेजा यो होना चारा नहीं गिरा अगर हटे था नहीं मानू गांव गणित भी हाथ पे उतरी सके गांव वाला सज्जन सिंह ने जो आशीर्वाद दी तो है आज से बनारे समर्थन में कर रहे भविष्य में भी यो बने ही राखनो है तो एकजुट रहन रहनो है हम सब तैयार है। पार चार जेपी आनंद दे दो सज्जन सिंह जी फ्री भाई कोई जरूरी नहीं सज्जन सिंह जी साइन करे साइन पे के जटे ये करी एक तरह मो सरपंच ये में दो ही तरह और तो गांव सरपंच है वो पद पे रहवा में कोई जरूरी नहीं हम में भी सरपंच नहीं आप सब जिम्मेदारी आप सब गांव सरपंच साहब हम वो एकले कोई सरपंच नहीं आप सब जना सरपंच सब जना तैयार है सहमति हो सच्चा
सज्जन सिंह जी का वास्ते और सज्जन सिंह जी का जो पुत्र अधिकारी है आप सब अलग ला रहे कंधम कंधम भिड़े मीटर ये आपने ला रहे हैं और आपने अलग ला रहे हैं और हम सब भी आपने ला रहे हैं जो एकता आपने दिखाई या एकता बनी रहे वो मेरे गांव को विकास लेगा। अब लोग यहाँ पे आते हैं रात को 11 बजे आते हैं, अगर किसी एक आदमी के घर पे आप जाके चाय पी के जाते हो वो आदमी हमारे गांव के खिलाफ है, वही आदमी आपने हमारे गांव में ऐसे आग लगा रहा है, ऐसा क्यों होता है? अगर आपको लगता है पुलिस गलत लगी हमारा अधिकारी ठीक है ना, अगर इनके खिलाफ ऊपर भी अधिकारी बैठा है वो जांच कर लेंगे। सर हम बोले हमारे जदो साहब ने गलती की है तो आप कानून से उनसे वो चीज करो, उसकी जांच चल रही है, आपके थाने में जांच चल रही है, जिस समय जो कार्रवाई है इनका ये कहना है कि भाई थाने में इन्होंने पता करा गांव वालों ने जांच करा के एफआईआर दर्ज की है, इन लोगों में से किसी को परेशान नहीं कर रहे, अभी इनका तो कोई रोल ही नहीं, आम आदमी क्यों आज ये गांव वाले अभी वो आपका काम अभी मैंने पहले बात बोली कि एक आदमी वही हमारे गांव के खिलाफ है, हमारे गांव के लिए एक सरपंच की बात आपसे नहीं करते था लेकिन मैं कर रहा हूँ कि वो आदमी एक अच्छा आदमी था, गांव के इतना काम करा है, राजसमंद जिले में 1st नंबर हमारी पंचायत बनाई, ये 2-4 लोग उनके पीछे पड़े और उन्होंने शिकायत की, शिकायत करते हमारी पंचायत के नहीं है, शिकायत करते बाहर की पंचायत के, सज्जन सिंह के साथ पूरा गांव खड़ा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हमारा नेता कैसा है? सज्जन सिंह नेता हो, हमारा नेता कैसा है? सज्जन सिंह नेता हो। एक सज्जन सिंह की कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने सेवा ही संगठन के माध्यम से इस पंचायत के सरपंच के नाते उन्होंने जो इस ग्राम पंचायत की सेवा की है, 70 वर्ष में जो इस गांव का जो विकास हुआ है यह विकास उनको दिख नहीं रहा, आगे उनको चरमरा रही है, उनकी राजनीति खत्म हो रहा, इसलिए यह हरकत कर रहे हैं सरकार, परंतु आज इस गांव के असंख्य लोगों के हमारे पास सूचना आई, गांव की जो एकता है इसलिए मैं इन सभी ग्राम वासियों को धन्यवाद देता हूं, भारत माता की जय। मैं पिछले 10 वर्षों से सज्जन सिंह जी का नजदीकी मित्र रहा हूं, हम हमेशा महीने में 10 दिन 15 दिन साथ में रहते हैं, सज्जन सिंह ने इस गांव इस पंचायत के विकास को लेकर बहुत से सपने देखे, नासिक में अपना काम का छोड़कर वो व्यक्ति पहले उस अपनी पत्नी को सरपंच जब इस जनता ने बनाया तब उन्होंने अमूल चूल जो परिवर्तन इस गांव में लाया, गांव की बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के बाद, तो मेरा तो उन लोगों से भी निवेदन है कि गांव के विकास की तरफ देखते हुए गांव के विकास को सहयोग करें, ना कि किसी 2 लोगों के षड्यंत्र में आके बहकावे में आके एक अच्छे सरपंच को हटाने का कुछ संकेत प्रयास, अब उनको तीसरी संतान हुई चुनाव लड़ने के नवम्बर माह में, ये उनका कहना है प्रशासन का और उनके खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई की, अगर किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होता तो उसको 1-1 महीना लग जाता है, ये प्रशासन के लोग इतने निकृष्ट भावना से काम कर रहे हैं और अभी उनके के ऐसे हमारे राजस्थान और राजसमंद जिले में 3 संतान वाले बहुत सारे सरपंच साहब हैं, उनके खिलाफ जितनी जल्द कार्रवाई हमारे सरपंच साहब के खिलाफ की है वो कार्रवाई सारे सरपंच साहब के खिलाफ होनी चाहिए, नहीं तो हम इससे बड़ा भी आंदोलन और करेंगे और बड़ी बड़ी रैली निकालेंगे, और मेरे यही कहना है कि इनके खिलाफ जो भी 3 संतान वाले सरपंच हैं उनके खिलाफ
बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये जो भी न्यूज देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, जो ये कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द करें। जय जयराम। सदा पंचायत के जितने भी लोग अभी आए हैं, स्व इच्छा से आए, किसी ने इकट्ठा नहीं किया, स्व इच्छा से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो अपनी बात दी वो रखे गए। सबके प्रिय है सरपंच साहब सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी को गांव वालों ने सरपंच बनाया। पिछली बार इनकी पत्नी सरपंच थी 5 साल, इतने विकास के कार्य कराए तो लोगों ने वापस इनको जबरदस्ती बनाया था, आपको विकास करना है। उन्होंने मना किया था, मैं सरपंच नहीं बनना चाहता, मैं वैसे विकास करूंगा, लेकिन पब्लिक नहीं मानी और उन पर गुलाल डाल दी। आप सरपंच हमारे कि चुनाव हुए तो भी वही जीते। उन्होंने 2 साल अपने और 5 साल उनकी पत्नी के, 7 साल में इतना विकास कराया गांव का, 76 साल में नहीं हुआ। इस जलन से विपक्षियों ने इनके खिलाफ ये सब कार्रवाई करी, बाकी काम कर ही रहे थे। ठीक है हुकुम, तो इनका इतना विकास किया है, ये आदमी विकास पुरुष है हमारे सिसोदा गांव का, और इनके खिलाफ में इतने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अभी ये जो ऑडियो वायरल हुई की बात कर रहे हैं और गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने उनका ऐसे आ रहा है, अब उनका है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन उसमें ये आ रहा है कि सीपी जोशी के लिए बोल रहे हैं, तो उन्होंने डॉक्टर सीपी जोशी नहीं बोला है, उन्होंने नहीं ये बोला है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी नहीं बोला है, स्पीकर सीपी जोशी भी नहीं बोला है, और राजस्थान में कम से कम 100 सीपी जोशी होंगे जैसे कि